नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो आपके पढ़ाई करने का तरीका बदल सकती है। ये टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक आपको फोकस्ड और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई करने में मदद करती है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस टेक्निक को डिटेल में समझेंगे, इसके स्टेप्स को जानेंगे और ये देखेंगे कि आप इसे अपने डेली जो स्टडी रूटीन है उसमें जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो कि 1980 में जो है फ्रांसिस्को सिरोलो ने जो है इसको डेवलप किया था। इस टेक्निक का जो मेन कंसेप्ट है वो है शॉर्ट फोकस्ड स्टडी सेशन के साथ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना। इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टोमेटो। तो सिरोलो ने अपने किचन टाइमर जो कि एक टमाटर की शेप का था उसका जो है उपयोग करके जो है ये मेथड को जो है डेवलप किया था। अब बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक्स के स्टेप्स। पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है टास्क का जो है सिलेक्शन करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टास्क या टॉपिक पर जो है फोकस करना है। ये आपकी पढ़ाई का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक असाइनमेंट या रिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कि टाइमर को सेट करना है 25 मिनट। अब क्या है, आप अपना जो टाइमर है उसको 25 मिनट्स के लिए सेट करें। इस 25 मिनट के पीरियड को जो है पोमोडोरो कहा जाता है। इस टाइम के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेलेक्टेड टास्क पर जो है फोकस करना है। स्टेप 3 क्या है, फोकस और वर्क करें। टाइम स्टार्ट होने के बाद आप अपने सेलेक्टेड टास्क पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। ये 25 मिनट्स आपके फुल कंसंट्रेशन के होने चाहिए। स्टेप 4 क्या है, आप ब्रेक लीजिए 5 मिनट्स का। जब 25 मिनट का पोमोडोरो कंप्लीट हो जाए तब आपको 5 मिनट का जो है शॉर्ट ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप हल्का रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या थोड़ा वॉक कर सकते हैं। स्टेप 5 क्या है, रिपीट करें और लॉन्ग ब्रेक लें। आपको 4 पोमोडोरो जो है कंप्लीट करने के बाद जो है 15 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेना चाहिए। ये ब्रेक आपके ब्रेन को जो है रिचार्ज करने का टाइम देता है। अब बात करते हैं पोमोडोरो जो टेक्निक है इसके बेनिफिट्स के बारे में। पोमोडोरो टेक्निक के कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट हैं जो इस टेक्निक को इतना पॉपुलर बनाते हैं। पहला है इंक्रीज्ड फोकस। इस टेक्निक से आप अपने टास्क पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 25 मिनट के लिए कंसंट्रेशन करना होता है जो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं लगता। नंबर 2, बेटर टाइम मैनेजमेंट। पोमोडोरो टेक्निक से आप अपने टाइम का जो है इफ़ेक्टिव उपयोग कर पाते हैं। इसमें आप अपने डे को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करके जो है मैनेज करते हैं। तीसरा है रिड्यूस्ड मेंटल फटीग। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने से आपकी मेंटल फटीग जो है कम होती है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्क एफिशिएंसी। रेगुलर ब्रेक से जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं और आप अपने स्टडी सेशंस को जो है इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक को कैसे कस्टमाइज़ करें।
हर स्टूडेंट की जो स्टडी हैबिट्स जो हैं वो अलग होती हैं, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो फोकस है 25 मिनट से ज़्यादा है, तो आप 30 या 45 मिनट के पोमोडोरो जो है उनसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ब्रेक लेना ना भूलें। आप पोमोडोरोस को सिमिलर टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक पोमोडोरो सिर्फ रिवीजन के लिए और दूसरा जो है सिर्फ नोट्स बनाने के लिए। आजकल जो है कई पोमोडोरो ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपके टाइम मैनेजमेंट को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और अपने स्टडी सेशंस को जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की और उनके जो है सॉल्यूशन की। तो पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करते समय क्या जो है कुछ लोग जो हैं कई मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली है डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप पोमोडोरो के दौरान इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में करें और अननेसेसरी टैब्स या ऐप्स को क्लोज कर दें। अगली मिस्टेक है स्किपिंग ब्रेक्स। ब्रेक्स स्किप करना या उन्हें इग्नोर करना आपके ब्रेन को फटीग कर सकता है। ब्रेक्स लेना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका फोकस मेंटेन रहे। अगली मिस्टेक है ओवरलोडिंग टास्क। एक पोमोडोरो में ज़्यादा टास्क डालने की कोशिश ना करें। हर पोमोडोरो में एक स्पेसिफिक टास्क पर ही जो है आप फोकस करें। तो दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टडी मेथड है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप अपनी पढ़ाई के रूटीन में इस टेक्निक को शामिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टडी टेक्निक के साथ। तब तक के लिए फोकस रहिएगा और स्मार्ट स्टडी करते रहिएगा। जय हिंद।